चेहरे पे, गले पे या फिर बैक पे काले दाने आना, सफ़ेद दाग आना, उसमें खुजली, ईचिंग, रेडनेस, ये बहुत सारे टीनेजर्स की कंप्लेंट रहती है, बड़ों की कंप्लेंट रहती है। ये मेनली बिकॉज ऑफ जो फंगल इन्फेक्शन रहता है, और कभी कभी स्किन एलर्जीज भी फॉर्म हो जाती है पेशेंट में, और कभी कभी ये सोरियासिस रहता है, डर्माटाइटिस, एक्जिमा, और स्टार्टिंग फेज ऑफ द डायबिटीज़ भी रहती है, प्राइमरी स्टेज। अगर अगर आपको ये ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो विद इन 3 to 6 month आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके लिए आयुर्वेदिक में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया है। इसमें गोधन अर्क का सबसे अच्छा काम करता है। डेली गोधन अर्क को पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं, 5 to 10 ml या फिर 15 ml, दैट मीन्स 3 tablespoons और 5 tablespoons डेली। अगर खुजली बहुत ज़्यादा हो और कम नहीं होता हो तो आधा आधा कप दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है, पानी में थोड़ा हनी मिला के। लेकिन आप डायबिटीज़ अगर शुगर लेवल ज़्यादा है तो इसमें हनी नहीं मिलाना चाहिए, सिर्फ पानी के साथ देते हैं। इसमें नीम बहुत अच्छा काम करता है। नीम का ही हम नीम या मेडिमिक्स का ही साबुन देते हैं, और उसी का सो शैम्पू भी यूज़ करने के लिए देते हैं। उसके बाद नीम की पत्तियाँ 3 से 5 डेली सवेरे शाम खाने के लिए देते हैं, या नीम वटी पेशेंट को दी जाती है। ऐसे पेशेंट में नमक और मीठा बंद किया जाता है, और पेशेंट को प्राणायाम और कपालभाति डेली करने के लिए बोलते हैं। धूप में बिठाकर उनको स्ट्रेट वे पोस्चर सीधा रखने के लिए बोलते हैं, और डेली प्राणायाम करते हैं, जिससे ऑक्सीजन इंटेक बॉडी में बढ़ने लगता है, और बहुत सी बार विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम की डेफिशिएंसी और की वजह से इम्यून पावर डाउन होने के से भी स्किन डिजीज होता है। इसमें लिक्विड इंटेक बहुत होना चाहिए। हल्दी वाला पानी, हल्दी वाला दूध ही पेशेंट को बार बार पिलाते हैं। गाय का दूध और गाय का घी ही देते हैं, और कॉटन वेयर ही इनर और आउटर पहनने के लिए बोलते हैं। और बॉडी लोशंस अगर पेशेंट को लगाना हो तो केमिकल वाला कोई भी अप्लीकेशन बॉडी पे नहीं करें। इसमें पैराशूट ऑयल या नारियल तेल ही बॉडी पे लगाना चाहिए, और दिन में हो सके तो 2 बार नहा लेना चाहिए। धूप बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए जितना हो सके एसी को अवॉइड करें। धूप में बैठें और देखें, आयुर्वेदिक मेडिसिन से थोड़े दिनों में आप स्वस्थ हो जाएंगे।